हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। अब शाम के पास गिनती के सिर्फ 3 दिन बचे थे। गांव के सरपंच ने शाम के पिता के पास शाम के प्रति अपना दुख जताया। सरपंच उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, इस आफत का कोई ठोस उपाय नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप सबको परिस्थिति का स्वीकार करना ही होगा। सरपंच की बात सुनकर मीरा आवेश में आकर कहती है, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं मेरे पति को बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी। इतना कहकर मीरा रोने लगती है। श्याम के पिता बड़े ही भारी मन से कहते हैं, बेटी संभालो खुद को, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, पर अब अपना श्याम शायद नहीं बच पाएगा। मीरा गुस्से से कहती है, पिताजी आप भी इन सब की तरह हिम्मत हार गए? श्याम के पिता दुखी होकर कहते हैं, ऐसी बात नहीं है बेटी, लेकिन ये जो कोई भी बला है उससे आज तक इस गांव का कोई भी इंसान बच नहीं पाया है। आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही। इतना कहकर श्याम के पिता भी रोने लगे। गांव के सभी लोग उनके दुख में शामिल थे। सबको पता था कि अब श्याम नहीं बचने वाला। सभी ने आस छोड़ दी थी, लेकिन सिर्फ मीरा ही एक ऐसी थी जो अभी भी भगवान से आस लगाई हुई थी। वो दिन बीत गया। श्याम की ऐसी हालत देख परिवार वाले तिल तिल मरने लगे थे। अब बस 2 दिन बचे थे। मीरा भगवान के आगे नतमस्तक होकर बैठी हुई थी और अपने पति की जान की भीख मांग रही थी कि तभी उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन उसकी एक सहकर्मी दोस्त डॉक्टर नेहा का था। हेलो मीरा, कैसी हो? कैसा चल रहा है वहाँ पर सब? और डॉक्टर श्याम कैसे है? ये सुनते ही मीरा फूट फूट कर रोने लगी। नेहा पूछती है, हेलो मीरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? फिर मीरा ने उसे पूरी हकीकत बताई। नेहा उसे दिलासा देते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो मीरा, इस मुसीबत से बचने का एक उपाय है। कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, उनका नाम है विराज। उन्होंने एक बार हमारी भी मदद की थी। मैं तुम्हें उनका नंबर देती हूँ, तुम उनसे बात कर लेना। नेहा से नंबर लेकर मीरा ने तुरंत विराज को फोन लगाया और उसे सारी जानकारी दी। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए विराज ने उसे हो सके उतनी जल्दी वहां पहुंचने का वादा किया। अगले दिन दोपहर को विराज अपने साथी राघव के साथ मीरा के घर पहुंचा। परिवार के सभी लोग वहां मौजूद थे। विराज कहता है, अगर शाम को बचाना है तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई ये जानना जरूरी है। तब विकास ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे कुछ महीनों से ये घटनाएं उनके गांव में घट रही है। विराज उनकी दी गई जानकारी से उतना संतुष्ट नहीं था। वो कहता है, आपने दी हुई जानकारी काफ़ी नहीं है, हम ये तो जानते हैं कि ये जो कुछ भी है वो हर अमावस की रात को आता है, पर ये कौन है और उसका मकसद क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। श्याम के पिता कहते हैं, हमें तो बस इतना ही पता है, आप बस मेरे बेटे को बचा लीजिए विराज जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। विराज उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, महादेव हमारे साथ है। इन सब के पीछे कौन है ये जानने के लिए मुझे एक अलग विधि करनी पड़ेगी, जिसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी सूक्ष्म प्रक्षेपण कहा जाता है। राघव उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, पर विराज इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर पर हावी होने की कोशिश कर सकती है। विराज मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो मेरा काम ही है राघव, और अगर मुझे कुछ भी होता है तो तुम इन सबका सही मार्गदर्शन करना। मीरा पूछती है, विराज ये कौन सी विधि है? विराज समझाता है, इस प्रक्रिया में मेरा शरीर यहीं पर रहेगा, लेकिन मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर उस पार श्याम का
और इन सब के पीछे जो कोई भी है उसका पता लगाएगी। अगर वहाँ मुझे कुछ होता है तो उसका असर यहाँ मेरे शरीर पर होगा, लेकिन डरने की बात नहीं, आप बस ईश्वर पर भरोसा रखें। वो फल कहाँ है? उसी के जरिए मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। विकास ने उसे वो फल ला कर दिया। विधि करने से पहले विराज ने राघव को अकेले में कुछ सूचनाएं दी। विराज ने अपनी पूरी तैयारी की। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके एक हाथ में रुद्राक्षी माला थी तो दूसरे हाथ में वही नीला फल था। विराज ने मंत्र जाप शुरू किया और अगले ही पल वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसे देखकर मीरा पूछती है, ये क्या हुआ इन्हें? ये ठीक तो है ना? राघव कहता है, फिकर मत कीजिए, इनकी आत्मा अब शरीर के बाहर भ्रमण पर है। विराज की आत्मा अब उसके शरीर के बाहर थी। वो फल हवा में लहराते हुए उसे कहीं ले जा रहा था। विराज अब एक अलग ही आयाम में पहुंच गया था। उसने अपने आसपास देखा। वो जगह काफ़ी वीरान और बंजर लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। दूर कहीं से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। विराज ने अपनी मनोबल की शक्ति से रोशनी की मशाल का निर्माण किया। उसी की मदद से वो आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक काली साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई देती है। उसके खुले हुए सफ़ेद बाल, माथे पर काला टीका और किसी सांप की तरह जुबान। विराज को समझने में देर नहीं लगी कि वो एक राक्षसी है। वो औरत वहाँ बैठी हुई कोई तंत्र साधना कर रही थी और उससे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पास श्याम बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। वो विराज को देखकर हंसते हुए कहती है, आज तक इस मायावी जगह पर कोई भी इंसान पहुंच नहीं पाया। तू वो पहला मनुष्य है और मैं ये भी जानती हूँ कि तू यहाँ इस आदमी को बचाने के लिए आया है, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अब तू नहीं बच सकता। इतना कहकर वो विराज की तरफ बढ़ती है। विराज ने अपने पास रखा हुआ अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस पर उस जल का कोई भी असर नहीं हुआ। विराज हैरान रह गया, क्योंकि उस पवित्र जल के आगे कोई भी भूत, प्रेत और पिशाच टिक नहीं पाते थे। विराज समझ गया कि उसका पाला इस बार किसी शक्तिशाली और मायावी राक्षसी से पड़ा है। उस राक्षसी ने अपनी नज़रों के एक इशारे से वहां पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर विराज की तरफ उछाला, पर विराज ने अपनी दैवी शक्ति से उस पत्थर को हवा में ही चकनाचूर कर दिया। वो राक्षसी कभी किसी हथियार से तो कभी अपने मंत्रों से विराज पर एक के बाद एक कई हमले करती है, पर विराज उसके हमले को रोकते हुए हिम्मत से उसका सामना करता है। विराज काबू में नहीं आ रहा है। ये देखकर गुस्से में उसने किसी मंत्र का जाप करते हुए उसका प्रयोग विराज पर किया। अगले ही पल जमीन को चीरते हुए वहां से एक कांटो भरी बेल बाहर निकलती है, जो विराज के पूरे शरीर को जकड़ने लगी। उस कटीली बेल के कांटे विराज के शरीर में गड़ने लगे। विराज काफ़ी जख्मी हो गया था, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। और इस तरफ असली दुनिया में भी विराज के शरीर से खून बह रहा था। राघव के साथ मीरा और उसके परिवार की भी चिंता बढ़ने लगी। इस तरफ विराज अब उसकी कैद में था। उस राक्षसी ने अपने मायावी शक्ति से विराज को जमीन में गाड़ दिया। उसका आधा शरीर जमीन से ऊपर तो आधा शरीर जमीन में धंसा हुआ था। और इस तरफ असली दुनिया में विराज का शरीर तड़प रहा था। कुछ देर बाद उसका तड़पना बंद हो गया। मीरा को शक हुआ तो उसने विराज की नब्स चेक की। उसकी नब्स काफ़ी धीमी गति से चल रही थी। विराज की हालत काफ़ी गंभीर थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। विराज ही उनकी आखिरी उम्मीद था। सभी मायूस होकर उम्मीद खो चुके थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। अब शाम के पास बस एक दिन बचा था, और अगर कुछ ना किया गया तो शाम कल की सुबह नहीं देखने वाला था। एक एक पल महत्वपूर्ण था। बाकी सबने तो उम्मीद छोड़ दी थी, पर मीरा ने नहीं। उसने कोई फैसला करते हुए राघव को बुला लिया। राघव हॉस्पिटल से उनके घर आया। मीरा दृढ़ निश्चय करते हुए कहती है, राघव जी, आप मुझे वो विधि बताइए
मैं जाऊंगी वहां और अपने पति को बचा कर लाऊंगी। मीरा की ये बात सुनकर सबने उसे रोकना चाहा। नहीं मीरा, हम तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। हम अपने बेटे को बचाने में तो नाकामयाब रहे हैं, पर अब जानबूझकर तुम्हें उस मौत के कुएं में नहीं धकेल सकते। माँ ने उसे समझाया, पर उसका इरादा पक्का था। मीरा कहती है, माँ आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह से मैं भी अपने पति के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी और मौत के चंगुल से उन्हें बचा कर लाऊंगी। उसकी हिम्मत से प्रभावित होकर राघव कहता है, मीरा जी आप सच में एक पतिव्रता स्त्री है, और एक पतिव्रता स्त्री के सामने तो भगवान भी हार मानते हैं, और ये तो एक शैतान है। विश्वास से भरी एक औरत जब अपने सुहाग के लिए लड़ती है तो वो मौत को भी हरा सकती है। यही भरोसा विराज का आप पर था, इसीलिए उन्होंने मुझे पहले ही इसके बारे में सूचित किया था। मीरा ने अपने सास ससुर से आशीर्वाद लिया। इस तरफ राघव ने तैयारी शुरू कर दी। उसने मीरा को सूक्ष्म प्रक्षेपण की विधि के बारे में समझाया और उसे कुछ ज़रूरी नियम बताए। मीरा ध्यानमग्न होकर नीचे बैठ गई और उसने मंत्र जाप शुरू किया। अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अब उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर थी। राघव ने उसे एक मुखी रुद्राक्ष दिया था, जिसकी मदद से उसकी आत्मा अपने तीन आयामी दुनिया से उस अलग चौथे आयाम में पहुंच गई। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वो जगह काफी वीरान है। आसपास के पेड़ सूख चुके हैं, जो दिखने में किसी राक्षस की तरह लग रहे थे। आसपास इंसानी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। दूर कहीं से जानवरों की गुर्राने की आवाजें आ रही थी। वो जगह किसी नरक से कम नहीं थी। मीरा आगे बढ़ती है। अचानक माहौल कुछ गंभीर बनने लगा। मीरा को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उसके सामने बड़ी बड़ी कई काली आकृतियां हवा में लहराती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिनकी मौजूदगी से पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जीने की उम्मीद कहीं खो सी गई हो। वातावरण में एक तनाव महसूस हो रहा था। मीरा की बेचैनी बढ़ रही थी। वो काली परछाइयां मीरा की सारी ऊर्जा, सारी हिम्मत और जीने की उम्मीद सोख रहे थे। अब मीरा पूरी तरह से उन परछाइयों के काबू में थी। हर तरफ निराशा फैली हुई थी। तभी उसे राघव ने दी हुई सूचनाएं याद आती है। उसे याद आता है कि ये आयाम एक आभासी मायाजाल है। यहाँ कुदरत के नियम लागू नहीं होते। यहाँ खुद के मजबूत मनोबल और दृढ़ संकल्प की मदद से हम अपनी कल्पनाओं को भौतिक रूप में साकार कर सकते हैं, और इस आयाम में यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब मीरा को राघव की बातों का मतलब पता चला। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने ईश्वर को याद करते हुए एक शक्तिशाली अग्निपुंज का निर्माण किया, जिसकी लपटों से वो सभी काली आकृतियां जलकर खाक हो गई। चलते चलते वो थोड़ी आगे आई तो वहां पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया, जिस पर वही नीले रंग के फल लगे हुए थे, और उसी के नजदीक श्याम बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। मीरा दौड़ते हुए उसके पास पहुंचती, तभी वहां पर वो राक्षसी प्रकट होती है। मीरा के कदम रुक गए। उसका वो भयानक रूप देखकर वो थोड़ी डर गई, लेकिन अपने डर पर काबू पाते हुए मीरा कहती है, छोड़ दो मेरे पति को, मैं उन्हें हर हाल में यहां से बचा कर ले जाऊंगी। उस राक्षसी को मीरा की नादानी पर हंसी आती है। वो हंसते हुए कहती है, नादान लड़की, अब तेरे पति को कोई नहीं बचा सकता। वो तो वैसे भी मरने वाला है, और अब तू भी नहीं बचने वाली। यहां आकर तूने अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। ये बोलकर उस राक्षसी ने अपनी एक उंगली को खंजर से थोड़ा चीर दिया। उससे खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, जिसमें से एक बड़े जानवर और एक विशाल गिद्ध का निर्माण हुआ। उस विशाल गिद्ध ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे एक तूफान उठने लगा। हवा का एक तेज चक्रवात सा बनने लगा, जिसमें फंसती हुई मीरा उछलकर तेजी से दूर एक पत्थर से जा टकराई, जिससे उसके सिर पर चोट लगी और वहां से खून बहने लगा। और इस तरफ असली दुनिया में भी उसके सिर से खून बहने लगा था। ये देखकर
उसके सास ससुर और विकास और दीपाली की चिंताएं बढ़ने लगी, लेकिन राघव ने उन्हें हिम्मत दी। इस तरफ मीरा हिम्मत से उसका सामना कर रही थी। वो उठ खड़ी हुई। वैसे ही वो जानवर गुर्राते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मीरा ने अपनी कल्पना से एक अस्त्र का सृजन किया और उसे उस जानवर पर चलाया। अस्त्र ने अपना काम बखूबी निभाते हुए अचूक निशाना साधकर उस जानवर को एक झटके में भस्म कर दिया। ये देखकर उस राक्षसी ने उस विशाल गिद्ध की ओर इशारा किया। वैसे ही वो विशाल गिद्ध उड़ते हुए मीरा की तरफ बढ़ा। उड़ते समय उसके बड़े पंखों की वजह से तेज आंधियां चलने लगी। मीरा ने फिर से अपनी मनोबल की शक्ति से एक बड़े पिंजरे की कल्पना की और अगले ही पल उसे भौतिक रूप में लाकर उस विशाल गिद्ध को उसमें फंसा दिया। वो पिंजरा काफी शक्तिशाली था, जिसमें वो गिद्ध कैद हो गया। मीरा ने फिर से उसी अस्त्र की मदद से उस गिद्ध को भी जलाकर भस्म कर दिया। उसके दो शक्तिशाली हमलों को मीरा ने आसानी से मात दे दी। ये देखकर वो राक्षसी तिलमिला उठी। उसने अपने एक इशारे से मीरा को हवा में उठाकर दूर पटक दिया। लेकिन फिर भी मीरा उठ खड़ी हुई। ऐसा कई बार हुआ। मीरा उसकी तरफ आगे बढ़ती है। मीरा हार नहीं मान रही। ये देखकर अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने एक मंत्र फूंककर अपनी नजरों के एक इशारे से मीरा की ओर देखा। वैसे ही मीरा किसी पुतले की तरह जम सी गई। वो अब हिल नहीं पा रही थी। तभी जमीन को चीरते हुए अंदर से कांटों भरी बेल निकलती है और मीरा के पूरे शरीर को जकड़ लेती है। उस बेल के नुकीले कांटे मीरा के शरीर में चुभ रहे थे और उसे जख्मी कर रहे थे। मीरा दर्द से तड़प उठी। दर्द से बेहाल वो नीचे गिर पड़ी। उसके शरीर से खून निकल रहा था। मीरा अब काफी थक चुकी थी। उसके शरीर में अब ताकत ही नहीं बची थी। वो राक्षसी मीरा को हमेशा के लिए एक पुतले में तब्दील करने वाली थी। मीरा असहाय होकर आने वाली मौत को देख रही थी। वो राक्षसी अपनी शक्ति से मीरा को एक पुतले में बदलती, तभी दूर कहीं से शंखनाद हुआ। तेज रोशनी का एक गोला बना और उसमें से विराज बाहर निकला। विराज को देखकर मीरा की जान में जान आई और इस तरफ वो राक्षसी गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी वही दृष्टि विराज पर डाली, जिससे वो मीरा को पुतले में बदलने वाली थी। विराज ने तुरंत अपनी मनोबल की शक्ति से एक बड़े आईने का निर्माण किया, जिसमें उस राक्षसी ने खुद को देख लिया और वो खुद एक पुतले में बदल गई। विराज ने बिना देर किए एक बड़ा ब्लैक होल बनाया और उस राक्षसी को उसमें धकेलकर हमेशा के लिए कैद कर दिया। फिर विराज ने मीरा को कांटों भरी बेलों से छुड़ाया। मीरा के मन में कई सवाल थे, लेकिन वक्त कम था। विराज ने श्याम और मीरा दोनों के हाथ अपने हाथों में लिए और एक मंत्र का उच्चारण किया। वैसे ही उन तीनों की आत्माओं ने उस आयाम से निकलकर असली दुनिया में मौजूद अपने अपने शरीर में प्रवेश किया। मीरा को जब होश आया, तब उसने देखा कि वो अपने घर में है। अब तक श्याम भी कोमा से बाहर आ चुका था। उसे यूं ठीक होता देख श्याम के परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बेटे को सही सलामत देखकर माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। श्याम ने मीरा को अपने गले से लगा लिया। श्याम के माता पिता विकास, दीपाली और राघव हर कोई मीरा की तारीफ कर रहा था। राघव कहता है, बधाई हो मीरा, तुमने अपने पति को मौत के मुंह से बचा ही लिया। मीरा कहती है, तारीफ के असली हकदार तो विराज है। मुझे तो लगा था कि अब हम नहीं बचने वाले, लेकिन ऐन वक्त पर आकर उन्होंने हम दोनों की जान बचाई। कहाँ है वो, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। इस तरफ विराज की हालत में तेजी से सुधार हो रहा था। अगले दिन वो हॉस्पिटल से ठीक होकर उनके घर आया। सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वास्तव में क्या हुआ, ये जानने की सभी के मन में उत्सुकता थी। उनके मन में कई सवाल थे, जिनका जवाब सिर्फ विराज के पास था। विराज कहता है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में कई सवाल है,
तो सभी ध्यान से सुनिए। विराज ने विस्तार पूर्वक बताना शुरू किया। तो सबसे पहले आपके मन में यही सवाल होगा कि इन सबके पीछे कौन था। तो वो एक राक्षसी थी। हर 100 सालों में ग्रहमाला में कुछ बदलाव होते हैं, जिसमें ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिसमें दूसरे आयाम और हमारी दुनिया के आयाम एक सीधी लाइन में आते हैं, जिससे उस आयाम और हमारे आयाम के बीच संपर्क स्थापित होकर वहाँ पे मौजूद पोर्टल यानी प्रवेश द्वार एक दूसरे के लिए खुल जाते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 14 लोक है। वो राक्षसी इन्हीं किसी लोक से यहाँ पर आई थी। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे सामान्यतः 3D या 3D वर्ल्ड कहा जाता है। इसका मतलब हमें दिखाई देने वाली दुनिया 3 परिमाणों से बनी है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और ये राक्षसी जहाँ से आई थी वो जगह किसी और ही आयाम में मौजूद होगी। उसे यहाँ हमारे आयाम में आना था, लेकिन यहाँ पर वो कमज़ोर थी, इसीलिए शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए वो इस दुनिया के लोगों की बलि देकर उनकी आत्माओं की ऊर्जा प्राप्त करने लगी। इस प्रक्रिया में उसे 7 दिन लगते थे। मीरा के मन में अभी भी कुछ सवाल थे। मीरा पूछती है, पर विराज जी, उस जगह पर मुझे कुछ अनोखी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, जैसे अग्नि प्रज्वलित करना या फिर किसी अस्त्र का निर्माण करना, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? विराज बताता है, जैसा कि मैंने कहा कि वो एक अलग आयाम था जहाँ कुदरत के नियम लागू नहीं होते। एक मजबूत मनोबल वाला कोई भी मनुष्य ये आसानी से कर सकता है। और मैंने राघव से तुम्हें एक मुखी रुद्राक्ष देने के लिए कहा था, जिससे तुम्हारी रक्षा हो सके और साथ में तुम्हारी शक्तियों में वृद्धि हो। मीरा आगे पूछती है, हम सबने यहाँ देखा था कि आप भी कोमा में चले गए थे, मतलब आपके साथ उस जगह पर कुछ अनहोनी हुई थी, तो फिर आप अचानक वहाँ कैसे आए? विराज मुस्कुराते हुए कहता है, जब मैं उस आयाम में पहुँचा तभी मैं समझ गया था कि ये जगह एक आभासी मायाजाल है और उस राक्षसी को हराना काफ़ी मुश्किल है। चूँकि वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए उसे नष्ट करना भी लगभग नामुमकिन था। उसे सिर्फ कैद किया जा सकता था। मैंने सोचा कि इसे हराने के लिए ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा, इसीलिए मैंने उसे ये एहसास करवाया कि मैं हार गया और वो जीत गई। मैंने उसे इस धोखे में रखा कि उसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। और इस तरफ आपको लगा कि मैं कोमा में जा चुका हूँ, पर वो एक झांसा था। मैं बस मौके की तलाश में था। और जब तुम वहाँ पर आई और जब वो तुम्हें पत्थर की मूर्ति में बदलने वाली थी, तो यही सही मौका था उसे फंसा कर कैद करने का। और अब वो राक्षसी कैद हो चुकी है। गांव पर आया संकट अब टल चुका था। अब तक पूरे गांव को इस बात की खबर मिल चुकी थी। श्याम और मीरा के परिवार समेत पूरे गांव ने विराज का धन्यवाद किया। विराज ने एक और मामला सफलतापूर्वक सुलझा दिया था।